सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले एक नज़र पाउने आ अज दियां खास खास खबरां ते। कैबिनेट मीटिंग च चन्नी सरकार दे वड्डे फैसले, चन्नी ने मेरा घर मेरे नाम स्कीम दा कीता ऐलान। लाल डोरे अंदर रहण वाले लोगों नूं मिलणगे घरां दे मालकाना हक, मुफ्त च होवेगी रजिस्ट्री। पंजाब च बिजली संकट होया होर डूंगा, दिन दे नाल ही रातां नूं लग रहे ने लंबे बिजली कट। माहिरां मुताबक अजे एक महीना होर झलणी पै सकदी है लोगों नूं परेशानी। बिजली कट्टां खिलाफ किसान जथेबंदियां ने खोलिया मोर्चा, जलंधर च दिल्ली अमृतसर हाईवे कीता जाम, मोगा च भी एक्सीएन दफ्तर के बाहर लगाया धरना। संयुक्त किसान मोर्चे वालों भलके मनाया जाएगा शहीद स्मृति दिवस, यूपी च शहीद हुए किसानों नूं दित्ती जाएगी श्रद्धांजलि, देश के कोने कोने तो किसानों नूं लखीमपुर खीरी पहुंचण की अपील। अते कल फिर पंजाब पहुंचणगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जलंधर के देवी तालाब मंदिर विखे होणगे नतमस्तक, मरहूम सेवा सिंह सेखवां के परिवार नाल भी करनगे दुख सांझा। ते हुण खबरां दा विस्थार। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने तो बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस विच चरणजीत सिंह चन्नी ने अज लै गए कैबिनेट के फैसलों बारे दसदिया कहा कि हुण लाल डोरे के अंदर रहने वाले लोगों नूं घरां दे मालकाना हक दिते जाणगे, लाल डोरे वालियां दी फ्री रजिस्ट्री होवेगी। इस मौके मुख्यमंत्री चन्नी ने मेरा घर मेरे नाम स्कीम का भी ऐलान किया। इस योजना के तहत पिंडां च फ्री रजिस्ट्री होवेगी ते ड्रोन के जरिए नक्शा तैयार किया जाएगा। 15 दिनों च नक्शे ते एतराज़ दर्ज करवाया जा सकता है। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विदेशों च वसदे पंजाबी NRIs लई वड्डा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुण अपना घर बार अते जमीन जायदाद छड के विदेश गए NRIs नूं चिंता करन दी लोड़ नहीं होवेगी, इसलिए उन्हां दी सरकार छेती ही एक्ट लैके आ रही है। इस तों इलावा चरणजीत सिंह चन्नी ने बिजली मुआफ़ी ते सरकार दा स्पष्टीकरण दिता है। उन्हां मुताबक 2 किलोवाट लोड तक दे हर वर्ग दे 52 लाख परिवारां नूं फायदा होवेगा। बिजली मुआफ़ी लई फार्म तैयार हो चुक्या है। पिंडां ते शहरां दे लाल लाइन दे जिहड़े अंदर लोग रहिंदे आ उन्हां पास मालकी ते हक नहीं है। ज्यादातर लोगों उन्हें दिक्कत आती जिन्हों पास उ घर है। सो असी यह फैसला अच किया कि पिंडा ते शहरां दे लाल लाइन के अंदर लाल डोरे के अंदर जिन्हें घर है पुरानी आबादी है जी पिंड की वह जेड़ा जिथे बैठा है वो नाम करा इन असी शहर भी कर दिता है कि शहर के लोगों के भी जेड़े घर के रह रहे हैं लाल लाइन करके उन्होंने घर नाम नहीं है या रजिस्ट्रियां फिर उत्थी दाखिल होंगे रेवन्यू डिपार्टमेंट नूं काम दिता है। रेवन्यू ड्रोन दे नाल पूरा सिस्टम तैयार करके उन्होंने घर उन्होंने नाम होंगे। इहदा स्कीम का नाम असी रखिया मेरा घर मेरे नाम। इहदे विच एक गल हैगी है कि NRI जिहड़े भरा है एक तो मैं तुहानूं दस्सदा असीं बड़ी छेती उन्हां दी प्रॉपर्टियां दी रखवाली वास्ते एक एक्ट लेके आ रहे वह आने वाले जदों भी सैशन असीं होएगा तो उहदे च आएगा। दूसरा NRI की प्रॉपर्टी जिहड़ी है गुरदौरी दे विच उहदा नाम चढ़ जाएगा फर्द दे विच कि इह NRI की प्रॉपर्टी है उहनूं छेड़िया नहीं जा सकेगा। उहदी कंसेंट तो बिना उहदी गुरदौरी चेंज नहीं हो सकती। एक असीं एक्ट भी इहदे बारे लेके आ रहे हां। साडा एक फार्म बन गया है वह फार्म 2 किलोवाट तक वाले लोग भरनगे जिन्हां दा बकाया माफ होना है। उहनां दा पुराना बकाया जिहड़ा पिछले बिल दे विच आया वा फिर क्लीयर करना मैं डेट पूछ रही सी ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਆਇਆ ਐਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1.5-1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ 4-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 11 ਰੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਕੋਲ 4-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ CMD A ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਕੋਲ 1.5 ਦਿਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਕੋਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਟੋਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 8,788 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ 11.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 1800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਏ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ 3500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 1320 ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ 655, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ 400, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 334, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ 332 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 260 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਖੜੀ ਖੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰ, ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਨੀ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰਿਆ ਨੀਗਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਬੱਤੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਜਾਗ ਲਾਰੇ
उधर मोगा च भी वख-वख किसान जथेबंदियां वालों जिले के एक्सीएन दफ्तर के बाहर बिजली की सप्लाई 8 तो 10 घंटे लगातार देने की मांग को लेकर रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके किरती किसानों वालों रोस प्रदर्शन कर बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट को मेमोरेंडम दिता गया। किसानों ने दसिया कि बिजली विभाग वालों हमेशा उन्होंने लारे ला दिए जाते हैं, पर इस बार जेकर निर्विघन बिजली ना मिली तो वह सूबे भर च रोड जाम करनगे। किसानों ने कहा कि पहला केंद्र सरकार ने सानू परेशान किया होया तो हुण पंजाब सरकार बिजली ना दे के किसानों का इम्तिहान लै रही है। जिहड़ियां फसलां गईआं वीआं सिरे ते किसे नूं इक पाणी लगदे आ, किसे नूं दो लगदे आ, हर इक ग्रिड का बुरा हाल होया पिआ। जिहनूं पुछीदा तेरे बिजली आ गई, उह कहिंदे नहीं यार साडे नहीं तां है नहीं, जिहनूं तेरे आ गई नहीं यार साडे नहीं तां है नहीं। हार के असीं दुखी होए वे, परसों भी असीं आए सी, परसों भी इहनां तों मंग कीती सी। इह पहिलां सानूं ऑल वटोल ही करे गिआ, जिहड़ा इत्थों दा एक्शन आ, इत्थों दा प्रशासन आ जिहड़ा। जदों फिर असीं भोरा कनण दा कथिआ, बार बंद कीते, फिर इहनां ने सानूं कहा भी असीं तुहानूं बिजली देवांगे, परसों कल नूं छड्ड देंगे। जे साडा दिहाड़ी डंग च हल ना होया, अगे तां असीं बार रोकिआ, हुण असीं सड़कां रोकांगे, तिखा संघर्श करांगे, फिर इहनूं दस देंगे गांह नूं भी गल करके मुकरी दा किवें हुंदा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने पंजाब के बिजली संकट लई सूबा सरकार नूं दोषी दस्या है। अमन अरोड़ा मुताबक झोने की लुआई मौके भी बिजली की वड्डी दिक्कत सामने आई सी। हुण चाहे सूबे च मुख्यमंत्री बदल गया है, पर नवे मुख्यमंत्री चन्नी भी कैप्टन की राह ते ही तुरदे नज़र आ रहे हैं। अमन अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों को रोज़ दिल्ली जाण दा तां समां है, पर बिजली संकट नूं हल करन दा उन्हां कोल समां नहीं है। अज प्राइवेट थर्मल प्लांटां दे नाल ही सरकारी थर्मल प्लांट भी कोले की कमी नाल जूझ रहे हैं, पर कांग्रेस नूं अपनी अंदरूनी लड़ाई तो फुरसत नहीं है। ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਆਪਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35-40 ਦਿਨ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 22 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 2-3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਉਹ ਕੋਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। लखीमपुर खीरी विखे शहीद होए किसानों नूं श्रद्धांजलि देने लई संयुक्त किसान मोर्चे वालों 12 अक्तूबर नूं शहीद समृति दिवस मनाउण दा ऐलान कीता गया है। इस दे लई देश भर दे किसानों नूं लखीमपुर खीरी दे तिकूणिया विखे पहुँचण दी अपील कीती गई है। किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल दा कहना सी कि खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण लई नौजवान किसानों ने अपनियां जानां वारियां ने, इह कुरबानी अजाई नहीं जाएगी। ਭਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਪੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਗੁਣੀਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੌਂਦ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਗੁਣੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹਮਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓਂ ਕੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੇ ਲੀਏ
कल सभी जगह पे प्रार्थनाएं की जाएंगी। हमारी आप सबसे बेनती है कि जहाँ जहाँ हमारे धरने चल रहे हैं या अपने अपने गांव में जहाँ जहाँ भी कोई भाई कर सकता है, वो सभी धर्मों के भाई, सभी बरादरियों के भाई, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुए हैं। ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, देश के हर नागरिक की रोटी का सवाल है, जिसके लिए उन भाइयों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए देश का हर जाति, हर धर्म उनकी आत्मिक शांति के लिए कल प्रार्थना करे। लखीमपुर घटना के मामले च आरोपी दे पुलिस अगे पेश होने तो बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी भुख हड़ताल ते मौन वर्त समाप्त कर दिता सी, पर अज कांग्रेस के वर्कर श्री मुक्तसर साहब के रेलवे स्टेशन के बाहर मौन धरने दे बैठ गए। कांग्रेसी वर्करां दा कहना सी कि लखीमपुर घटना के विरोध च उन्हां वल्लों 2 घंटिआं लई मौन धरना दिता जा रहा है ताकि सुत्तियां सरकारां नूं जगाया जा सके ते पीड़ित किसानां दे परिवारां नूं इंसाफ मिल सके। इस दे नाल ही उन्हां मोदी सरकार उत्ते लोकतंत्र दा घाण करन दा भी इल्जाम लगाया। मौन वर्त रख के असीं इह मौन वर्त करके सिद्ध कीता है कि अजे मानवता राजी नहीं हुई और केंद्रीय मंत्री नूं बर्खास्त किया जाए तो केंद्रीय मंत्री ते भी बनती कार्रवाई करके उन्होंने भी कानूनी प्रक्रिया के राही लिया के कानूनी कार्रवाई करके उन्होंने भी सख्त तो सख्त कार्रवाई करके उन्होंने सज़ा दवाई जा सके। यही मौन वर्त का मेन जिहड़ा साडा रोस और मौन असी चुप करके मौन धर के सरकार नूं जगाउण की कोशिश की है कि मोदी साहब तो सारी केंद्रीय भाजपा सरकार नूं असी इह कहना चाहते हैं कि तुसीं होश चाहो, तुहानू सत्ता च बैठे हो, सत्ता लोगों ने दिती है, लोगों नू परेशानी है थोड़े तो, लोगों तंग आ चुके, किसान व्यापारी तंग आ चुके हैं। ये मौन वर्त रख के उन्होंने कन्ना च गल पहुँचाने की कोशिश की गई है सारी जिला कांग्रेस कमेटी वालों, पंजाब कांग्रेस वालों, तो आल इंडिया कांग्रेस कमेटी वालों। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना अहुदा संभालदिया ही नवी माइनिंग पॉलिसी का ऐलान किया, पर इसका नोटिफिकेशन जारी ना होने कारण अजे भी माइनिंग माफिया की लुट जारी है। लुधियाना के सतलुज किनारे वसे पिंडां दे लोकां दा कहना है कि माइनिंग माफिया उन्हां नूं अपनी ही जमीन ते पैर नहीं रखण दे रहा, जेकर वो अपनी जमीन ते जाण दी कोशिश करदे ने तां उन्हां नाल कुटमार की जाती है ते उल्टा उन्हां खिलाफ़ ही परचे दर्ज करवा दिते जांदे ने। लोगों ने कहा कि जेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाए अते सरकार इस माफिया नूं नत्थ पावे तां जो रेत की ट्राली अज 12,000 की मिलती है वह सिर्फ 3,000 की मिल सकती है। उधर अकाली लीडर महेश इंद्र गरेवाल ने भी चन्नी सरकार ते कैप्टन वांग ही माफिया नूं उत्साहित करन दे आरोप लगाए। महेश इंद्र गरेवाल ने कहा कि चन्नी माइनिंग माफिया ते नकेल कसण च नाकामयाब रहे ने। जो पिछले दिन साडे मानयोग मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी ने ऐलान किया सी कि असी रेता भर दा काम बहुत जल्दी पुराने कानून कायदे दे मुताबिक असूली चला देंगे, जिदे नाल लोड़वंद लोग जिहड़े रोजी रोटी करते घर परिवार लिए रेता चाहिए सी उहदे लई बड़ा कम जिहड़ा ये शुरू हो जूगा। पर अज लगभग इस ऐलाननामे नूं 15 दिन हो चुके आ, हजे ते टस तो मस नहीं होया। जिहड़ा सरकारी सैंड माफिया, सरकारी रेत माफिया, वह उस तरीके ही जिहड़ा वह रेते की लुट कर रहा। साडी जिहड़ी जमीन मालकी है वह सिर्फ हुण कागजां दे विच ही मालकी आ, पर इहदे उत्ते सैंड माफिया ने, सरकारी सैंड माफिया ने एक तरह का ना दिखण वाला कब्जा कर लिया। सानू अपनियां जमीनां दे विच भी वह वड़ नहीं देंदे, जे वड़दे आ तां अपने गैंगस्टर लिया के साडियां ट्रालियां वगैरह रोकदे आ और कुटदे आ। हुण मेरी एक उम्मीद बनी सीगी कि जद चन्नी जी बने चीफ मिनिस्टर, इन्हां ने पहला ऐलान कीता सीगा कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ते माइनिंग नूं इन्हां ने 2 हिस्सों च करके माइनिंग अपने कोल रखिया सी कि ये शायद माइनिंग कोई सुधार करनगे। पर हैरानी की यह गल है कि जिन्हें बोर्ड लुधियाने चन्नी जी के लगे आ जिन्हें लाए ने वो सारा माइनिंग किंग आलरेडी है जी। तुम हम आप अंदाजा ला लो कि माइनिंग कदों बंद हो जूगी तो कौन बंद कर दूगा। मैं इस गलते एक गल बड़े जिम्मेवारी कह सकता है कि इन्होंने जिनी कांग्रेस राज कांग्रेस की सरकार ने अपने MLA ते लीडर माइनिंग लिए छूट दी हुई है धन इकट्ठा करने लिए, इन्नी अज तक अनहर्ड है पॉलिटिक्स विच। ते चन्नी जी नूं मैं एक गल कह देना चाहना है कि वो गल सच हो रही है कि हाथी के दांत खाने को और तो दिखाने को और। पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा विड़िंग ने दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं पत्र लिख के दिल्ली कौमांतरी हवाई अड्डे तक पंजाब राज बस सेवा मुड़ शुरू करन दी मांग कीती है। लंबे समय तो लटकदे इस मामले दे छेती हल लई
मीटिंग का समा भी मंगया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने नवंबर 2018 च पंजाब सरकार दीआं बसां दे हवाई अड्डे जाण तक ते रोक ला दित्ती सी, जो सूबे दे वख-वख शहरां तों हवाई अड्डे जाण वाले यात्रियों नूं किफायती दरां ते सफ़र मुहैया करवाउण लई चलाई जा रही सी। वड़िंग ने कहा कि दिल्ली सरकार की आम लोगों प्रति बेरुखी का पता इस गल तों लगाया जा सकता है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने प्राइवेट बस ऑपरेटरां नूं दिल्ली कौमांतरी हवाई अड्डे तक बसां चलाउण दी आग्या दित्ती होई है। वड़िंग ने कहा कि सूबे का ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते लोगों को सस्ता ते वधिया सेवावां देना उन्हां दा मुढ़ला फर्ज बनता है ते वह पहले दिन तो इस दिशा च काम कर रहे हैं। राजा वड़िंग ने इस मुद्दे के हल लई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो निजी तौर पर मिलने लई ढुकवीं तरीक ते समा मंगया है, तां जो पंजाब तो दिल्ली कौमांतरी हवाई अड्डे तक सरकारी बस सेवा बंद करन दे दिल्ली सरकार दे फैसले नूं रद्द करवाया जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल मुड़ पंजाब आउणगे। वो पिछले दिन ही स्वर्गवास होए जथेदार सेवा सिंह सेखवां के परिवार नाल दुख प्रगटाउण लई पहुँच रहे ने। यह जानकारी सेवा सिंह सेखवां के पुत्र ने दी। अरविंद केजरीवाल कल दोपहर 3 बजे के करीब उन्होंने निवास से पहुँचणगे। स्वर्गवासी सेवा सिंह सेखवां ते उन्हां दा पुत्र जगरूप सिंह सेखवां कुछ दिन पहला ही आम आदमी पार्टी च शामिल हुए सन। उस समय भी केजरीवाल आप सेखवां के घर पहुँचे सन। इस तों इलावा अरविंद केजरीवाल का जलंधर के देवी तालाब मंदिर विखे भी नतमस्तक होने का प्रोग्राम है। केजरीवाल की जलंधर फेरी की जानकारी आम आदमी पार्टी पंजाब के सह इंचार्ज राघव चड्डा ने सांझी की है। सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह ने लाइब्रेरियां अते पुस्तकां दा विद्यार्थियों की शख्सियत निखारण च अहम योगदान दसदियां लाइब्रेरियनां नूं स्कूलां च पुस्तक सभ्याचार पैदा करन दा सद्दा दिता है। प्रगट सिंह अज चंडीगढ़ के सैक्टर 35 स्थित म्यूनसिपल भवन विखे नवें भर्ती 693 स्कूल लाइब्रेरियनां नूं नियुक्ति पत्र सौंपण मौके संबोधन कर रहे सन। प्रगट सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वपक्षी विकास लई स्कूली सिलेबस तों इलावा साहित्यक खेडां आदि गतिविधियां का अहम रोल हुंदा है। उन्हां कहा कि स्कूलां च विद्यार्थियों नूं तंदुरुस्त रखण लई मैडिटेशन योगा ते शरीरक सिक्ख्या नाल संबंधित गतिविधियां नूं हुलारा दिता जावे, क्योंकि सेहतमंद शरीर च ही सेहतमंद दिमाग का वासा हुंदा है। प्रगट सिंह मुताबक लाइब्रेरियनां दी भर्ती नाल स्कूलां दीआं लाइब्रेरियां नूं नवीं दिख मिलेगी। उन्हां नवें भर्ती होए लाइब्रेरियनां दा विभाग च स्वागत करदिआं कहा कि अजोके बच्चे इलैक्ट्रॉनिक यंत्रां दे नाल ज़्यादा जुड़े हुए ने, जिन्हां नूं किताबां नाल जोड़न वास्ते उपराले कीते जाण। प्रगट सिंह ने कहा कि सिक्ख्या विभाग वालों पिछले 4.5 सालों 14,500 अध्यापकों की भर्ती की गई है। अज सौंपे गए नियुक्ति पत्रां तों इलावा 18,900 होर अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द मुकम्मल करके उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। उन्होंने अध्यापक यूनियनों दीआं मंगां अते उन्हां दीआं शिकायतों के हल लई अध्यापकों नूं निर्देश दिते कि जिहड़े मामले हल हो सकते ने उन्हां दा तुरंत हल किया जाएगा। मेघालय सरकार वालों शिलोंग चों सिखां नूं उजाड़े जाण दे फैसले की हर पासों निखेधी हो रही है। मेघालय सरकार दे इस कार्य नाल सिख भाईचारे च रोस पाया जा रहा है। सियासी अते धार्मिक जथेबंदियां भी इस उजाड़े नूं रोकण लई केंद्र सरकार नूं अपील कर रही ने। हुण आम आदमी पार्टी दे विधायक कुलतार सिंह संधवा ने इस मामले ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते गृह मंत्री अमित शाह ते निशाना विन्या है। संधवा ने कहा कि भाजपा की सरकार घट गिणतियां दे हक खो रही है। उन्होंने मुताबक सिख करीब 150 साल तो शिलोंग विखे रह रहे हैं ते उन्होंने भू माफिया के इशारे ते उजाड़ना गैर संविधानक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तुरंत दखल देवे अते मेघालय सरकार दे फैसले ते रोक लावे तां जो सिख भाईचारे दे लोग अपनी जिंदगी आराम नाल बसर कर सकन। संधवा मुताबक इस संबंधी पंजाब दे एक सर्व पार्टी वफद नूं प्रधानमंत्री नाल मुलाकात करनी चाहीदी है। भारतीय राजनीति दे विच एक बहुत वड्डा निगार आ गया है। जदों दा भारतीय जनता पार्टी दी अगवाई वाली सरकार नूं दो शख्स साढ़े होम मिनिस्टर साहब ते साढ़े प्रधानमंत्री साहब एक खास तरह की धार्मिक रंगत दे के सरकार नूं चलाउण की कोशिश कर रहे हैं और देश दे विच मौजूद जिहड़ी अखलीयत है उन्हां नूं उन्हां दी प्रताड़ना की जा रही है। उस कड़ी के अंदर शिलोंग दे विच 300 तो उत्ते परिवार जिहड़े 200 साल तो उत्थे वसे हुए सी उत्थों दे लोगों की सेवा कर रहे सी लोगों का प्यार बनया होया सी भू माफिया के दबा थले आ के उन्होंने उत्थों कढ़न दे हुकम दे दित्ते गए और यह मसला 2 साल पहला भी उठाया सी।
जे किते उदों भाईवाल रहे बादल परिवार ते बीबी हरसिमरत कौर बादल उदे उन्होंने सही टाइम ते सही फैसला लिया होता तो यह दोबारा ये दिन नहीं वेखने पैने सी। पंजाब दे बठिंडा च एक औरत ने निजी हस्पताल दे स्टाफ ते समूहिक बलात्कार करन दा दोष लाया है। पीड़ित औरत नूं ऑपरेशन लई इस निजी हस्पताल च दाखल करवाया गया सी। हस्पताल दा स्टाफ उसनूं सर्जरी लई ऑपरेशन थिएटर लै गया, उत्थे उसनूं सुन्न करन वाला टीका लगाया गया। बाद च 6 लोकां ने ऑपरेशन थिएटर दे अंदर उस नाल समूहिक बलात्कार कीता। इस घटना तो बाद औरत ने पुलिस नूं शिकायत दित्ती। पुलिस ने सिविल हस्पताल च पीड़िता दा मैडिकल करवाया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन तो इस मामले च इंसाफ देण ते आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस इस संबंधी अगलेरी कानूनी कार्रवाई कर रही है। सर मेरे घर दी नूं गुरदे च लैफ्ट साइड ना इनफेक्शन हैगी सी। सानू इत्थे दयाल किडनी हॉस्पिटल च भेजिया ने भी इत्थे भी एक महीना तक तकरीबन 10 दिन हो गया इलाज चलदे नूं। पहला एक स्टेंट पाया सीगा इन्हां ते हुण साडा हुण सोमवार एक होर वड्डा ऑपरेशन होया है। ते ऑपरेशन सर भी जदों लै गए ने करवाउण वास्ते ते सर सानू मैनू घर दी ने दस्या कि मेरे नाल इस तरह जिहड़े मुंडे उन्हें रखे हुए उन्हें मेरे नाल भी रेप किया। 6 मुंडे हैगे आ ते जदों मेन वड्डा डॉक्टर आया सीगा उदों मुंडे उह सारे बाहर चले गए सीगे। उदों बाद 3 मुंडे रह गए। सर साडे नाल कि सानू पूरा इंसाफ दिता जाए। फगवाड़ा चंडीगढ़ बाईपास से स्थित पिंड पलाही नेड़े एक पुलिस मुलाजम वालों 3 लोगों से गड्डी चढ़ाउण दा मामला सामने आया है। आरोपी पुलिस मुलाजम की पहचान अमरीक सिंह वजो हुई है जो फगवाड़ा दे थाना सदर विखे तैनात है। तेज़ रफ्तार कार च जलंधर वालों आ रहे पुलिस मुलाजम अमरीक सिंह ने पहला पिंड खंगूड़ा नेड़े एक लड़की ते गड्डी चढ़ा दी ते थोड़ा अगे जाके पलाही पेट्रोल पंप नेड़े सामने तो आ रहे मोटरसाइकिल नूं टक्कर मार दी। इस उपरंत मुलाजम की गड्डी डिवाइडर नाल टकरा के रोड तो हेठां जा डिगी। कार की स्पीड इन्नी ज़्यादा सी कि टक्कर नाल मोटरसाइकिल दे परखच्चे उड़ गए ते उस ते सवार 2 जने गंभीर जख्मी हो गया। इन्हां जख्मियों को फगवाड़ा सिविल हस्पताल ले जाया गया जिथों हालत नाजुक होण कारण एक जने नूं जलंधर रैफर कर दिता गया है। जख्मियों के परिवारक मैंबरां ने आरोपी पुलिस मुलाजम खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूजे पासे पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। मेरी हम लोग दुकान पर सोझे रहते हैं। दुकान चाय की दुकान है कि मेरे। अच्छा रोड के ऊपर ही है? नहीं रोड के बगल साइड है। मेरी कुड़ी मेरे एकदम बगल थी। वो गाड़ी सड़क छोड़ के आके बीचे में अपनी लाइन छोड़ के अपन लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पे आके मेरी कुड़ी मेरे बगले खड़ी थी। अब मार दिया इसे यहाँ से आके इसे मेरी कुड़ी फेंका गई। पीछे मुड़ के वो दुकान देखा नहीं कि कुड़ी मर गई कि जी गई ये तुम्हें नहीं देखा। फिर हम लोग दोनों जाके हम लोग उठाए। फिर हम नहीं मेरी भी होश गई ये उठा के लेके भागे। दूसरा कोई बेचारा गाड़ी लेके आके यहाँ भर्ती किया। मेरे पास मेरे कोड़े तो कोई था ही नहीं। हाँ अरे मैनू मैसेज मिला कैबिनेट मीटिंग च चन्नी सरकार दे वड्डे फैसले। चन्नी ने मेरा घर मेरे नाम स्कीम दा कीता ऐलान। लाल डोरे अंदर रहण वाले लोकां नूं मिलणगे घरां दे मालकाना हक। मुफ्त च होवेगी रजिस्ट्री। पंजाब च बिजली संकट होया होर डूंगा। दिन दे नाल ही रातां नूं लग रहे ने लंबे बिजली कट। माहिरां मुताबक अजे एक महीना होर झलणी पै सकदी है लोकां नूं परेशानी। बिजली कट्टां खिलाफ किसान जथेबंदियां ने खोलिया मोर्चा। जलंधर च दिल्ली अमृतसर हाईवे कीता जाम। मोगा च भी एक्सीएन दफ्तर दे बाहर लगाया धरना। संयुक्त किसान मोर्चे वालों भलके मनाया जाएगा शहीद स्मृति दिवस। यूपी च शहीद होए किसानों दिती जाएगी श्रद्धांजलि। देश के कोने कोने तो किसानों लखीमपुर खीरी पहुँचने की अपील।
ਅਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਨਤਮਸਤਕ। ਮਰਹੂਮ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।